शहर के इंदिरा कॉलोनी स्थित श्री यादव माता मंदिर का नौवां पाटोत्सव गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। पाटोत्सव को लेकर मंदिर प्रांगण में आरती का आयोजन किया गया। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे दिन मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बाड़मेर के इंदिरा कॉलोनी स्थित श्री यादव माता मंदिर का नौवां वर्षीय पाटोत्सव गुरुवार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पाटोत्सव को लेकर गुरुवार सुबह श्री यादव माता मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा इंदिरा कॉलोनी निकाली गई और मुख्य बाजार होते हुए पुनः श्री यादव माता मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में 151 बालिकाएं सिर पर कलश धारण किए चल रही थी। वहीं कच्ची घोड़ी नृत्य शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहा। श्री यादव मंदिर से पूजा अर्चना के बाद निकाली गई शोभा यात्रा पुलिस लाइन, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन, गांधी चौक, राय कॉलोनी होते हुए वापस श्री यादव मंदिर पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का समापन हुआ। बाजार में जगह जगह पुष्प वर्षा और गुलाल से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। पाटोत्सव की पूर्व संध्या पर गुरुवार शाम को मंदिर में रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में गायक कलाकार शिवपुरी, विष्णु प्रजापति और बाल कलाकार ओम प्रकाश मालीवाल बाटाडू द्वारा सुरमई भजनों की प्रस्तुतियाँ दी गई। शोभा यात्रा के समापन के बाद श्री यादव मंदिर में कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में जहां श्री यादव मंदिर भक्तों में प्रसादी का वितरण हुआ, इस दौरान कार्यक्रम में समाज के होनहार छात्र छात्राओं व दानदाताओं का सम्मान किया गया। पाटोत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।